hello everyone you are watching your favorite channel the magic of maths by romani students today we are going to discuss a very interesting activity related to tangram now you must be wondering that what is a tangram beta tangram is a chinese puzzle in which a square piece is cut into seven parts and out of those seven parts five parts are triangles two are the big isosceles right angle triangle two are small isosceles right angle triangle one is the medium sized isosceles right angle triangle and after these five triangles one is a square and one is a parallelogram so when we cut a square into seven parts these seven parts can be arranged to form different figures and that i'll show you like we can arrange those seven parts to get a swan we can also get a fish. You can see I have made these with the help of all these puzzles. This is a candle which has been made with the help of a tangram puzzle. Then I can make a cat with the help of this tangram. I can make a rocket. I can make a house. I can make a boat. So, this is a very interesting activity. So, let's start this activity. ना यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाट इज दिस है ना कि मैम ने ये हमारे सामने क्या रखा है अलग अलग शेप्स हैं आप देखो जो सेंटर में है दैट इज अ स्क्वायर पेपर जिसके अंदर से हमने सेवन पार्ट्स कट करने हैं आप देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन जो दो पार्ट्स हैं बेटा ये हमारे लार्ज आईसोसलिस राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं जो ये वाले दोनों हैं ये स्मॉल राइट ट्राइंगल है जो ये ब्लू वाला है ये मीडियम राइट एंगल है एक स्क्वायर है और एक पैरलोग्राम है पर इसको हमने कट इस तरह से ही करना है ताकि हमारे पास दो बड़े ट्राइंगल दो छोटे ट्राइंगल एक मीडियम साइज ट्राइंगल एक स्क्वायर और एक पैरलोग्राम आए और ये कट करने के बाद आपके पास जो पार्ट्स बनते हैं उन पार्ट्स के साथ आप अलग अलग शेप्स बना सकते हो लाइक दैट ऑफ अ रॉकेट और अ डॉग और अ शिप और अ स्वैन और इसके बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं बेटा सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न कि हमने ये एक स्क्वायर पेपर लेके ये सेवन पीसेस को कट कैसे करना है एंड आफ्टर कटिंग द सेवन पीसेस यू कैन अरेंज इट इन डिफरेंट फॉर्म्स टू मेक डिफरेंट शेप्स ठीक है बेटा सो आई विल टीच यू हाउ टू कट दिस टैनग्राम स्टूडेंट्स यू विल स्टार्ट बाय टेकिंग अ स्क्वायर पेपर आप नॉर्मल आपके पास जो क्राफ्ट पेपर आता है आप वो क्राफ्ट पेपर भी ले सकते हो तो आपने एक स्क्वायर पेपर लेना है एंड एंड उसको ऐसे फोल्ड करना है आई हैव ऑलरेडी डन दैट और इसकी क्रीज सेट कर लेनी है देन आपने क्या करना है इसको ओपन करके इसकी सेकेंड साइड पे इसको डायग्नली फोल्ड करना है एंड सेकेंड साइड पे जब आपने डायग्नली इसको फोल्ड करना है मेक श्योर sure कि आपका ये जो कॉर्नर है कॉर्नर के साथ मैच करे अब आपने जो क्रीज सेट करनी है वो पूरी नहीं करनी आपने एक साइड से तो पूरी फुल सेट कर देनी है और एक साइड से हाफ से थोड़ी सी ज्यादा तो आपने इतनी क्रीज सेट करनी है इट पे आपने क्रीज सेट नहीं करनी सो so, इसको आपने ओपन कर देना है तो आपकी देखे यहाँ तक लाइन आ गई अब जिस साइड पे आपकी लाइन आई थी आपने इधर से ये उठा के शीट आई मेक इट दिस साइड राइट साइड से आपने इसको यहाँ पे प्रेस करना है और जो ये वाला आपका ट्राइंगल आएगा बेटा ये आपका मीडियम साइज वाला आई राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा सो so, आपने इसको ऐसे प्रेस करके इसकी क्रीज प्रेस कर देनी है सो so, ये वाला आपका जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था ब्लू पोर्शन वाला मीडियम वाला ट्राइंगल वो आ गया ये वाले दोनों आ गए आपके बड़े वाले ट्राइंगल्स सो आई मार्क इट विद द पेंसिल सो दैट आपको ईजी हो जाए ये मेरा फर्स्ट पार्ट है ये मेरा सेकेंड पार्ट है ये मेरा थर्ड पार्ट है अब रह गए मेरे फोर पार्ट्स अब इसमें आपने अब क्या करना है ये वाला उठाना है हिस्सा और देखो ये वाली जो दो लाइंस बन रही है ना इससे आपने यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट करना है सो ये वाला कॉर्नर उठा के आपने इधर करना है और यहाँ पे क्रीज सेट करनी है सिर्फ इतने पोर्शन में ताकि ये क्या बन जाए एक स्क्वायर सो so आपने इसको यहाँ पे क्या बनाना है यू हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर देखो यहाँ पे एक सेंटर में स्क्वायर बन गया ना यू कैन सी दैट तो ये जो स्क्वेयर है आपका नंबर फोर है यहाँ पे एक आपके पास जो ट्राइंगल बन रहा है वो आपका छोटे वाला ट्राइंगल है दैट इज नंबर फाइव ठीक है अब यहाँ पे आपने इस साइड से आपने किया था ना फोल्ड दूसरी साइड से आपने क्या करना है इसको उठा के यहाँ पे ये वाले पॉइंट को ऐसे हाफ फोल्ड करना है ठीक है बेटा और सिर्फ यहाँ पे क्रीज सेट करनी है ताकि आपका यहाँ पे सेंटर में क्या बन जाए रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल अब देखो यहाँ पे भी एक ट्राएंगल बन रहा है नहीं तो आई एल ड्रॉ द लाइन्स फॉर यू सो दैट आपको लाइन्स के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाए ये वाला जो आया मेरा फर्स्ट पार्ट आया आई एल डू दोल्डिंग वंस अगेन फॉर यू सो दैट इट इज क्लियर टू एवरी वन ये मेरा फर्स्ट पार्ट आया ये इसके साथ ही सेकेंड पार्ट फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तो बहुत ईजी है ठीक है ये मेरा फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है और ये दो बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं दी लार्ज राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स उसके बाद आपने क्या करना है जो ये वाला कॉर्नर है इसको ऐसे फोल्ड करना है यहां तक और इसकी क्रीज सेट कर लेनी है और जो ये क्रीज सेट करने के बाद ऊपर ट्राइंगल आएगा ये आपका कौन सा है मीडियम वाला मैंने आपको बोला था दो लार्ज आएंगे बड़े एक मीडियम आएगा दो स्मॉल और एक स्क्वायर यहाँ पे आपका स्क्वायर बनना है स्क्वायर बनने के लिए आपने क्या करना है ये वाला कॉर्नर उठा के इसको यहाँ पे टच करके यहाँ से क्रीज सेट करनी है दैट्स इट तो ये करने के बाद आपका ये जो फोर्थ है आपके पास क्या बन गया स्क्वायर सो ये मेरा स्क्वायर पार्ट बन गया मैं यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो स्क्वायर ड्रॉ करने पे यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है वो आपका स्मॉल ट्राइंगल है नेक्स्ट आपने क्या करना है ये वाला पोर्शन उठा के इसको ऐसे फोल्ड करना है यहां तक सेंटर तक और यहाँ पे क्रीज ठीक है और जब आप इसकी क्रीज बिठाओगे तो आपके पास एक सेंटर में ट्राइंगल बन गया इसको आप ऐसे बना दोगे सो दिस इज योर सिक्स ट्राइंगल एंड ये जो सेवंथ वाला आया आपके पास क्या आ गया एक पैरलोग्राम सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द सेवन पीसेज ऑफ अ स्क्वेर पेपर फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों आइसोसलिस्ट ट्राइंगल है बड़े वाले देन थर्ड पार्ट मीडियम राइट आइसोसलिसल ट्राइंगल स्मॉलोसलिस्ट राइट एंगल ट्राइंगल फोर्थ इज अ स्क्र एंड सेवंथ वन इज अ पैरोग्राम नेक्स्ट वॉट यू विल डू इज कि आप इस शीट के नीचे अलग अलग कलर्ड शीट्स रख के उसके कटआउट्स करोगे सो so बेटा देखो आई हैव ऑलरेडी कट आउट दीज तो मेरे पास ये वाले दो बड़े आइसोसियल राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं दिस वन इज द मीडियम आइसोसलिस्ट राइट एंगल ट्राइंगल दि टू आर दोसियलिस्ट राइट एंगल ट्राइंगल्स स्क्वेयर एंड दैरलोग्राम नाउ वी विल अरेंज दीज टू मेक डिफरेंट शेप्स सो लेट्स अरेंज दी पीसेज टू गेट समथिंग लाइक दिस इज द बिग ट्राएंगल एंड दिस इज अनादर बिग ट्राएंगल मैंने इन दोनों को ऐसे अरेज किया मीडियम साइज ट्राएंगल विच आई एल अरेज इट लाइक दिस स्टूडेंट दैट इज अपू योर क्रिएटिविटी कि आप उसको कैसे अरेन्ज करके अलग अलग चीजें बनाते हो देन आई हैव दिस द स्मॉल ट्राएंगल आई एल अरेज इट ऑन द टॉप एंड देन आई हैव माई रोम्बस विच आई एल अरेज इट ऑन द साइड एंड देन दिस इज माई सॉरी पैरलोग्राम जो मैंने अरेज किया है ठीक है मैंने बड़े ट्राइंगल्स मीडियम वाला ट्राइंगल पैरलोग्राम अरेन्ज कर दिया देन आई एम लेफ्ट विद स्क्वेर स्क्वा को मैं ऐसे अरेज कर रही हूँ एंड देन आई एम लेफ्ट विद माई वन स्मॉल ट्राइंगल ठीक है बेटा उसको मैं ऐसे अरेन्ज कर रही हूँ सो सी आई हैव गॉट अ रॉकेट विद मी सो इसी तरह से आप अरेंज करके अलग अलग फिगर्स बना सकते हैं आई हैव सम ऑफ द फिगर्स ऑलरेडी मेड विद मी विच आई शो यू सो सी स्टूडेंट्स दिस इज अ रॉकेट विच आई हैव ऑलरेडी मेड सो लेट सम अपर एक्टिविटी बेटा दिस इज अ टैन ग्राम जिसके अंदर मैंने आपको दिखाए हैं एंड बिलो इट इज रिटन दट टैन ग्राम इज अ चाइनीज जोमेट्रिकलिस्टिंग विच आर अ पैरलोग्राम अ स्क्र एंड फाइव ट्राइंगल्स विच कैन बी अरेज टू मेक वेरियस अदर शेप्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट शेप्स विच कैन बी मेड विद दल्प ऑफ अ टैन ग्राम ठीक है बेटा For example, this one is a boat which has been made with the help of the tangram puzzle. Then, next, which you can make is a house. This is a beautiful house which has been made with the help of all the seven parts of the tangram. Then, next one is a swan. You can make a beautiful swan. Next, you can also make a fish. This is a fish which has been made with those seven parts. You can also make a cat. And there are billions of combination students. This is a beautiful candle. विच हेज बीन मेड विद दिसरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप इसको छोटी सी शीट पे करके अलग अलग शेप्स को आप इस तरह से भी बेटा अरेंज करके अपनी स्क्रैप कॉपी में डेकोरेट कर सकते हो नहीं तो अलग अलग ए फोर साइज शीट्स के ऊपर यू कैन मेक दिस पजल सो आई होप यू इंजॉय दिस टैन पजल एक्टिविटी एंड यू विल डेफिनेटली डू इट फॉर एनी क्वेरीज यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू